बच्चे देख रहे हैं MNS न्यूज पर। देखते आज की कुछ खास खबरें। बेटे ने अगर गलती की है तो उसे भी जला दिया जाए, तेलंगाना गैंगरेप में आरोपी की मां। तेलंगाना महिला चिकित्सक के गैंगरेप मर्डर मामले में एक आरोपी की मां ने बेटे के लिए सख्त सजा की मांग की है। उन्होंने कहा कि वह समझ सकती है कि लड़की की मां पर क्या गुजर रही होगी अगर उनके बेटे ने गलती की है तो उसे ऐसे ही जलाया जाए जैसे लड़की को जलाया गया था। हैदराबाद गैंगरेप केस 14 दिन न्यायिक हिरासत में भेजे गए चारों आरोपी। तेलंगाना में एक पशु चिकित्सक डॉक्टर के रेप के बाद हत्या के मामले में चारों आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इन आरोपियों ने महिला डॉक्टर को किडनैप किया और फिर उसके साथ गैंग रेप किया और हत्या करने के बाद शव पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। बता दें कि शमशादाबाद स्थित आउटर रिंग रोड के टोल प्लाजा पर दो ट्रक चालकों और दो क्लीनरों ने डॉक्टर से गैंग रेप किए जाने के बाद हत्या करने की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। तेलंगाना में मिली दूसरी महिला की जली लाश पर पुलिस ने कहा यह मामला आत्महत्या का लग रहा है। तेलंगाना के शमशादाबाद में मिले एक अन्य महिला के अधजले शव को लेकर पुलिस ने बताया कि यह आत्महत्या का मामला लग रहा है। CCTV फुटेज में महिला शुक्रवार की शाम को अकेले एक बैग में कुछ बोतलें ले जाते हुए दिख रही है। बतौर पुलिस कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने महिला को मंदिर के पास अकेले बैठकर रोते हुए भी देखा था। पुलिस ने कहा बाकी जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मिलेगी। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।